उत्तराखंड बी एट एंट्रेंस एग्जाम सीजन 2024। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेमवंती नंदन बोगना गढ़वाल यूनिवर्सिटी बी एट एंट्रेंस एग्जाम सीजन 2024 का फॉर्म कैसे फिल करना है। नॉर्मली आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउजर पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है HNBGU Online। जैसे आप HNBGU Online सर्च करेंगे, पहला जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है उस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। एंट्रेंस टेस्ट 2024 पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नॉर्मली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूजर आईडी पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेम अब पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है स्टूडेंट, आपका नाम का पहला अक्षर कैपिटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमन किसी का नाम है, पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल @123, ये पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको रिटाइप पासवर्ड में सेम हुई पासवर्ड ऊपर जो मैंने बनाया आपने बनाया हुई पासवर्ड यहाँ पे डालना है। अपना नाम यहाँ पे भरना है। कोर्स कोड नेम पे आपको यहाँ पे BEd 101 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर लोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन के लिए बोलेगा। आपको यूजर आईडी में आप हुई मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वही आपको डालना है। डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, लॉगिन जब आप करोगे यूजर आईडी पासवर्ड वही डालना स्टूडेंट जो आपने क्रिएट किया है। लॉगिन जैसे आप करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नॉर्मली आपको पर्सनल डिटेल पे जाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, फोटो और साइन आपको कैसे अपलोड करनी है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा फोटो साइन कैसे अपलोड कर सकते हैं। कोर्स कोड BEd यहाँ पे आएगा। एग्जाम सेंटर में आप जहाँ पेपर देना चाहते हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम में जो UG में आपकी सब्जेक्ट है, अगर आपने आर्ट किया है BA किया है तो आर्ट, BCOM किया है तो कॉमर्स, और BSc किया है तो यहाँ पे साइंस आपको डालना है। वेटेज क्लेम में आपको यहाँ पे क्या बनना है स्टूडेंट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वेटेज क्लेम में यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपने देखे होंगे वेटेज, अगर आपके NSS है, B सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको 1% यहाँ पे वेटेज में लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और NSS C सर्टिफिकेट है 2% यहाँ पे वेटेज लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेटेज आपका स्टूडेंट उस हिसाब से आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का NSS B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है तो उनको 2% यहाँ पे वेटेज लिखना है, बी सर्टिफिकेट तो 1% यहाँ पे वेटेज लिखना है। कुछ इस तरीके से आपने वेटेज लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है स्टूडेंट, जो 10th के अकॉर्डिंग आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट जो कैटेगरी आपकी अगर जनरल है तो UR, EWS तो EWS, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST, सब कैटेगरी उन स्टूडेंट के लिए। जो PH वाले हो या फ्रीडम फाइटर वाले हो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, या एक्स सर्विस मैन वाले हो। इसके अलावा आपको अपना जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट, आप चाहे तो भर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस यहाँ पे भरना है। एड्रेस भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन और स्टेट उत्तराखंड भर के आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देख लूँगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने उत्तराखंड BEd टारगेट ग्रुप 2024 बना रखा है जिसमें ऑलरेडी 200+ मेंबर जुड़ चुके हैं। आपका ही बेनिफिट स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जैसे आपका सिलेबस है, जैसे मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ग्रुप में जुड़ना मत भूलना स्टूडेंट, नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन में सबसे पहले स्टूडेंट आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले 10th की डिटेल भरनी है, 10th आपका पास आउट आएगा, उसका अपना बोर्ड का नाम लिखना है जो आपका बोर्ड है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर कौन से ईयर में पास किया और परसेंटेज कितने हैं, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव के बाद आपके पास 12th की डिटेल यहाँ पे भरने को आएगा, कब आपने पास किया, सब्जेक्ट का नेम जो आपकी 12th में सब्जेक्ट है, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज आपको लिखना है। सेव पे क्लिक करना है। और UG में ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपने बैचलर्स डिग्री के है, चाहे BA हो, BSc हो, BCOM हो, अपेयरिंग में हो, मतलब इस बार आप फाइनल ईयर का पेपर देंगे या 6th सेमेस्टर में, इस कंडीशन में आपको अपेयरिंग भरना है। इनकेस आपने पास किया तो आपको पास यहाँ पे भरना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सब्जेक्ट भरना है, रोल नंबर आपको अपना भरना है, ईयर ऑफ पासिंग अगर इस बार है 2024 भरना है, परसेंटेज आपको छोड़ देना स्टूडेंट क्योंकि आप अपेयरिंग में है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो ध्यान देना स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है इसके रिगार्डिंग मैंने जैसे कहा कि वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाली है, तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, जो वेटेज अगर आपका नहीं है तो इस वेटेज को मत भरना स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और 12th का सर्टिफिकेट
जैसे आप यहाँ पे 10th और 12th और अपना यूजी अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो यूजी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद फीस सबमिशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फी पेमेंट का, आपको नॉर्मल इस पर क्लिक करना है। क्लिक जब आप करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, आप अपना पेमेंट यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू ही करना है, यूपीआई से मत करना, क्योंकि यूपीआई में भी कभी कभी पैसे ट्रांसफर में प्रॉब्लम आती है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट करना है। जैसे आप अपना पेमेंट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिशन में आपकी डिटेल यहाँ पे शो होगा और प्रिंट अमाउंट जितनी भी आपने पेमेंट किया वो सारा शो होगा। यहाँ पे आपको लॉग आउट करना है स्टूडेंट, फिर लॉगिन पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फॉर्म अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में चेक करके आप अपनी डिटेल्स अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी फॉर्म भर चुके हैं, बीएड के 176 कैंडिडेट ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है। आई होप ये वीडियो ऑफ द माम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी और ग्रुप में जुड़ना मत भूलना स्टूडेंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।